देखिए बच्चों, हमारा जो राजस्व विभाग है गांव में, जो प्रशासनिक ढांचा है गांव का, उसमें राजस्व विभाग है जो कि लोगों से, किसानों से उनकी जमीन पर, उनके खेतों पर टैक्स इकट्ठा करता है और फिर वो पैसे जो है वो पंचायत के पास जाते हैं और ग्राम पंचायत उसे इस्तेमाल करती है गांव में विकास करने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए और घर बनवाने के लिए और जो भी पानी बिजली की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारा राजस्व विभाग है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू यानी जो भी पैसा जमा करना जो टैक्स के जरिए, वो रेवेन्यू हुआ और उसका जो विभाग है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उसका काम क्या है, ये जो प्रशासनिक ढांचा है इसका काम है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन लैंड। इसका काम है कि वो जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करे और उन जमीनों पर इकट्ठे किए कर को, यानी कि जो जमीन है किसान की उस पर इकट्ठे किए टैक्स को जमा करे और अपने ऊपरी अधिकारियों को दे और फिर वो पंचायत को दे काम करने के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, आपको एक पिक्चर दिख रही है नीचे, और इसमें आप देखें ध्यान से कि बहुत बड़ा गोला है नीले रंग का, है ना। तो वो क्या है, कौन बताएगा मुझे वो क्या है? देखिए वो है एक डिस्ट्रिक्ट, वो है एक जिला। अब देखिए जिला बहुत बड़ा होता है, ठीक है, गांव के मुकाबले जिला बहुत बड़ा है। और उस जिले में ये जो ब्लू कलर की बॉल है, ब्लू कलर का सर्कल है, इसमें ये बहुत बड़ा जिला है। जिले में देखिए आपको साइड में जो है पॉइंट्स दिए, पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि वो चीज क्या दर्शा रही है। जो डार्क ब्लू सर्कल है वो दर्शा रहा है डिस्ट्रिक्ट, जो पिंक वाला है वो दर्शा रहा है तहसील, तहसील यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट से छोटा हुआ, और जो सबसे हल्का नीला है वो दर्शा रहा है एक विलेज, एक गांव, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जिला है, ये जो नीले वाला गोला है ये बहुत बड़ा जिला है, और इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें तीन तहसीलें हैं, ठीक है, तीन तहसीलें हैं और उन तहसीलों में बहुत से गांव हैं, किसी में तीन गांव है, किसी में चार गांव है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सी तहसीलें हैं और उन तहसीलों में बहुत से गांव हैं। तो अब पूरे जिले में जो है लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, कैसे जमीनों का रिकॉर्ड बना के उनका रख रखाव किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले दी गई है पटवारी को। सबसे पहले क्या करेगा पटवारी जो है, देखिए हर गांव का अलग पटवारी है, अब हर गांव का जो अलग पटवारी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गांव का एक, मतलब एक गांव का पटवारी एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक पटवारी को दो गांव दे दिए जाए। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से जिले में हैं या कौन से तहसील में हैं और उसमें कितने गांव हैं, ठीक है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक पटवारी को एक गांव दे दिया गया है, और अब जो वो पटवारी है वो अपने गांव में जितनी भी जमीनें हैं किसानों की सबको जाएगा, नापेगा और क्या करेगा, उनके दस्तावेज बनाकर रखेगा, नक्शे बनाएगा, उनके लैंड रिकॉर्ड बनाएगा, खसरा रिपोर्ट बनाएगा और किसे जमा करेगा, सारे पटवारी अपने अपने तहसीलदार के ऑफिस में जाके ये सब जमा करेंगे, तहसीलदार को देंगे, ठीक है। और जो तहसीलदार है, देखिए एक तहसील में बहुत से पटवारी काम कर रहे होंगे, एक तहसील में बहुत से गांव तो बहुत से पटवारी, तो एक जो तहसीलदार है उसे सारे पटवारियों पे निगरानी रखनी है अपनी तहसील के, ठीक है। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो पूरे जिले में जितनी भी तहसीलें आती है उन सब तहसीलदारों पर निगरानी रखता है, और तो और सारे पटवारियों के काम पर भी निगरानी रखता है कि सही से लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, और उन पर कर इकट्ठा हो रहा है समय समय पर, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो समय समय पर दुरुस्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारा काम है राजस्व विभाग का, और ये जो हमारे तीन मेन प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर, उसके नीचे तहसीलदार और उसके नीचे पटवारी, ठीक है बच्चों। अब हमने ये तो देख लिया, अब आइए अब हम आगे, आज से हम देखना शुरू करें कि
शहर में प्रशासन कैसे चलता है, शहर का प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है, क्योंकि देखिए गांव तो है बहुत छोटा, शहर के मुकाबले गांव छोटा है, उसकी आबादी कम है, उसमें सुविधाएं कम है, लेकिन हमारा जो शहर है वो बहुत बड़ा है गांव के मुकाबले, उसमें बहुत आबादी है, बहुत तरह के लोग हैं, लोग तरह तरह के काम करते हैं, कोई स्कूल में काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, लोग अलग काम करते हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा दुकानें हैं, तो आइए देखें कि कैसे शहर का प्रशासन तो बहुत ही मुश्किल होता होगा, तो वो कैसे किस तरह चलाया जाता है, आइए अब हम इस बारे में जान